आप सभी लोग यहाँ पर ईश्वर की आराधना करते हैं। यह दीप जो जगमगा रही है वह इस बात का साक्षी है कि मुफ्त पूरी तरीके से फ्री एक्सेस एजुकेशन रिसोर्सेज। आज हम यूपी ओबीआर को शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पूरी परियोजना को लगभग हम लोगों ने एक वर्ष में 554 दिन एक्सेल फाउंडेशन में बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें एक्सेल शिक्षा विभाग है, उसी समन्वय के साथ में इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के लिए OER के कंसेप्ट पर विकल्प नाम से एक पोर्टल आज उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग और HCL फाउंडेशन के जॉइंट कोलेबोरेशन में ये लॉन्च हो रहा है। इससे वर्तमान परिस्थितियों में और आगे भी वर्ल्ड वाइड जो जिस तरह की पूरी दुनिया में ओपन लर्निंग की जो सुविधा है वो हमारे उत्तर प्रदेश के गाँव गरीब मजदूर किसान के बच्चे जो गाँव के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको भी उपलब्ध होगा, उसके लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है। सर, इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों में बना दिया गया है, बनाया जा रहा है? नहीं, ये सब तो बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली टेक्निक्स है, तो स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। कोई भी इस पोर्टल को अपने स्मार्टफोन पर खोल के देख सकता है। जिन स्कूलों में प्रोजेक्टर हैं या स्मार्ट टीवी है वहाँ पर तो इनका उपयोग हो ही सकता है। जहाँ वो नहीं भी है तो टीचर्स के स्मार्टफोन से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सर, क्या इसको एक्सपोजर के लिए क्या स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाया जाएगा? वो तो कर ही रहे हैं, हम लगातार स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज, प्रोजेक्टर, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और उसी दिशा में ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सर क्या कुछ बजट का अड़चन तो नहीं आ रहा या आने वाले वक्त में बढ़ाएंगे? कोई अड़चन नहीं आएगा, जो जरूरतें होंगी सब पूरी करेंगे। ठीक, थैंक यू।